आइए आज हम बनाते हैं साबूदाना से बहुत ही अच्छा नाश्ता। ये एकदम देखिए क्रंची है, एकदम कुरकुरा है नाश्ता। तो आइए बनाना शुरू करते हैं साबूदाना से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। साबूदाना बड़ी बनाने के लिए हमने ये एक कटोरी साबूदाना लिया है। हमने ये बारीक वाला साबूदाना लिया है, लेकिन अगर आपके पास जो मोटे दाने वाला साबूदाना होता है अगर वो हो तो ज़्यादा अच्छा उससे बनता है ये नाश्ता। और ये ग्रेट किया हुआ आलू लिया है हमने, तो इसमें चार छोटे साइज के आलू हमने ग्रेट किए हैं। और ये काट कर धुल कर साफ़ करके छन्नी में हमने ये धनिया रखा हुआ है और हरी मिर्चा ली है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं साबूदाना बड़ी। इसके लिए ये साबूदाना को हम ये ग्राइंडर जार में डालकर पीस कर लेंगे। इसको हम भिगो कर बिल्कुल भी नहीं लेंगे, और ये थोड़े से दाने इसी तरीके छोड़ देंगे और बाकी के पीस लेते हैं। देखिए अब हमने इसको पीस लिया है और इसका बिल्कुल बारीक इसका आटा बिल्कुल बना लिया है। लेकिन अगर आपके पास बड़े दाने वाला साबूदाना है तो आप वही यूज करें, क्योंकि ये महीन साबूदाना पीसने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। या फिर मार्केट में साबूदाना का पाउडर भी आता है, आप वो यूज कर सकते हैं। और तो हमने ये एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है साबूदाना, और अब हम इसी में ग्रेट किया हुआ आलू मिक्स कर लेते हैं। आलू को आप मसल कर बिल्कुल ना डालें ताकि इसके बड़े टुकड़े ना रह जाएं, और इस तरीके से ग्रेट करके ही लें। और अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे हरी मिर्च, ये बारीक कट की हुई हरी मिर्च है, और ये धनिया पत्ती मिक्स कर लेते हैं जिसको हमने धुल कर रखा है। तो धनिया पत्ती भी धुल कर छन्नी में ही रखें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल सके और ये गीला ना हो सके। और अब हम इसमें लेंगे नमक आधा चम्मच, लेकिन अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें सेंधा नमक ही यूज करें, लेकिन हम व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो इसमें हमने सफ़ेद नमक ही डाला है। और अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला, लेकिन अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो गरम मसाला स्किप कर सकते हैं। और आधा चम्मच लेंगे इसमें जीरा, वो मिक्स कर देंगे। जीरा के दाने हमने मिक्स किया है इसमें, और इस तरीके से हाथ से अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। बस इसमें और बाकी कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है, और ये जो हमने बिना पीसे हुए बचाए थे ये भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। देखिए ये इस तरीके से अच्छे से बाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका वो ज़्यादा सूखा है तो आप इसमें और आलू मिक्स कर सकते हैं, लेकिन बाकी पानी वगैरह कुछ भी नहीं मिक्स करना है, सिर्फ आलू ही मिक्स करना है। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से बाइंड हो रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए इसमें हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम लेंगे एक प्लेट या थाली, कोई भी चीज़ जिसमें आप जमा सकें, और इसमें हल्का सा घी या तेल डालकर इसको ग्रीस कर लें ताकि इससे ये अच्छे से निकल सके और चिपके नहीं। वैसे तो ये चिपकता नहीं है, आप बिना लगाए भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें लगा लेते हैं और ये डो प्लेट में फैला देंगे। इसमें बहुत कम तेल की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इस तरीके से पूरी प्लेट में फैला देंगे हम इसको बराबर करते हुए। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे में फैला कर इस तरीके से हाथ से दबा दिया है अच्छे से, और अब हम इसको लगभग 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए ताकि ये अच्छे से जम सके। तो देखिए इसको फ्रिज में रखे हुए 10 मिनट हो गया है, अब ये अच्छे से सेट हो चुका है। और इसको इस तरीके से इसके हम पीसेस कट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको गोल साइज़ में भी कट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी परेशानी होती है गोल साइज़ में कट करने में, इसलिए हम इस तरीके से कट कर रहे हैं। और तो देखिए
इसको कट करने से अपने आप ही इसके पीसेस निकल कर अलग हो जा रहे हैं। अच्छे से सेट हो चुका है। देखिए कितने अच्छे ये पीस निकल रहे हैं। इस तरीके से हम सारे पीस निकाल कर अलग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। अगर आपको इनको तुरंत फ्राई करना है तो आप इनको तुरंत फ्राई कर लीजिए, लेकिन अगर आपको पहले से बनाकर रखना है तो आप इसको बनाकर फ्रिज में रख दीजिए और 2-4 दिन बाद कभी भी आप इनको फ्राई कर सकते हैं। देखिए इनको फ्राई करने के लिए ये इस तरीके से पैन में हमने डाला है थोड़ा सा तेल, और अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। तो देखिए तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और इस तरीके से अब एक एक पीस इस तरीके से इसमें सेट कर देंगे। जितने एक बार में आसानी से आ जाएंगे उतने हम रख देते हैं। देखिए हमने जितने एक बार में आ गए उतने हमने रख दिया है और इनको मीडियम फ्लेम पर उलटते पलटते बिल्कुल खुरखुरा होने तक सेक लेते हैं। और ये बिल्कुल भी एक दूसरे में चिपकते नहीं हैं और ना ही टूटते हैं। जैसे कि हम बनाते हैं बड़ी इसकी साबूदाना की तो वो बिल्कुल एक दूसरे में चिपक जाती हैं और टूटने भी लगती हैं, तो ये उस तरीके से नहीं टूटेंगी। इस तरीके से उलटते पलटते हम इसको अच्छे से कुरकुरा होने तक सेक लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से उलटते पलटते सारी बड़ियों को हम बिल्कुल एकदम क्रंची होने तक सेक लेते हैं। और अगर हमको लग रहा है कि तेल की कमी है इसमें भी थोड़ी, तो थोड़ा सा तेल इस तरीके से गर्म करके साइड से थोड़ा सा तेल और डाल दें, क्योंकि हमने ये बारीक वाला साबूदाना लिया था तो ये अच्छे से पीस नहीं पाता है, तो इसलिए थोड़ा खड़ा खड़ा दुरदुरा है और पाउडर बिल्कुल बारीक नहीं हुआ था, इसलिए इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लग रहा है। तो इसलिए आपके पास अगर मोटे दाने वाला साबूदाना है बड़े दाने का वही यूज करें इसमें। और देखिए इस तरीके से चारों तरफ से पलट पलट कर एकदम क्रंची होने तक सेक लेते हैं इनको। तो देखिए सारी बड़ियों को हमने एकदम क्रंची होने तक सेक लिया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए सर्व करने के लिए तैयार है हमारी सांभर बड़ी। आप इसको हरे धनिया की चटनी या टमाटो केचप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन बस यही ख्याल रखिएगा कि अगर आप व्रत में बना रहे हैं इसको तो गरम मसाला ना डालें, उसको स्किप कर दें, वरना अगर गरम मसाला आप डालते हैं तो इसका टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाता है, इसलिए हमने डाला है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।